हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीडब्ल्यू क्लासेस। आमर ये मैथ क्लास रे आम डेली किछि किछि नंबर गुड़ाक सॉल्व करिवा पिले। आज आम जदि देखा जावा फायरमैन रो एग्जाम जो नोटिस बाहरी बिल्कुल 30 डेज रहिला आमर पाखे हैला 30 दिन मात्र रहिला। एही 30 दिन को आम डेली नंबर गुड़ाक करी 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 बहुत गुड़ाए नंबर कवर करिवा जिमिति कि एग्जाम पई सेटा बेनिफिट हबो। केवल फायरमैन नोहे फॉरेस्ट गार्ड भी जीत दउछ, फॉरेस्ट गार्ड हो गला ठीक अच्छे, ओडिशा पुलिस हो गला, जहाँ आग को एग्जाम गुड़ाक आसूति ये क्वेश्चन गुड़ाक बेनिफिट हम ठीक अच्छे। तालो स्टार्ट करवा देख पिले फास्ट क्वेश्चन आमर रहिला एठी देख फास्ट क्वेश्चन आमर रहिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर काढ़ विभिन्न उपाय अच्छी, बट एभलिया जदि नंबर दे अच्छी डेसिमल परे जदि एमिति नंबर दिया हिची देखो पिले ए नंबर जेमिति दला फर्स्ट ऑप्शन दला 0.036 12.1 2.56 0.004 आउ जदि कोनोसी ऑप्शन भी जदि नॉन ऑफ दिस बोली कि नाही नॉन ऑफ दिस बोली कि ए जगह रे दिया जाई नाही दिया जाई छी कि दिया जाई नाही हैला। कंडीशन मन रखो केमिति कि एटा फट से आखिर देखि कि केमिति करि परबो ए नंबर गुडा को ठीके देखो। जदि परफेक्ट स्क्वायर काढ़ बोल कि कहला है आउ ऑप्शन जी नॉन ऑफ दिस नाही ताहले फास्ट ट्राए कर एमती को ऑप्शन अच्छी जो थी कि डेसिमाल रो परे है डेसिमाल रो परे डेसिमाल रो परे इवन डिजिट नंबर रोचे इवन डिजिट नंबर रोचे सेटा ही आंसर हबो। इवन डिजिट नंबर जोटा रोचे सेटा ही आंसर हबो। तार माने कहवा को जाउछी मु कोन देख डेसिमल परे एटा हला दशमिक डेसिमल माने कौन हला दशमिकटा ठीक अच्छे। दशमिक परे इवन डिजिट थिवार कथा ए जगह रे दुईटा किंबा चारटा ठीक अच्छे किंबा एक दुई तीन चार पांच छ एटा सब कौन इवन डिजिट गुड़ाक इवन डिजिट नंबर जोटा भी थिबो सेटा हेबो आंसरटा हला। एमिति 99% केस रे पॉसिबल होवछि हला। तो देखि देखिबा जदि ए फॉर्मूला काम देतला जगह ठीक अच्छे नहले आकु जो 1% काहे कि हेबनी तार विषय देखिबा हैला। तो देख फर्स्ट ऑप्शन रे जोटा देला पिले देख फर्स्ट ऑप्शन रे देला कोन 0.036 पॉइंट पर केतरो डिजिट अछि तीनोटी हैला। जदि परफेक्ट स्क्वायर पई कुहा होची ताहले डेसिमल पर दशमिक पर इवन नंबर ऑफ डिजिट देखिबार अछि माने इवन नंबर ऑफ डिजिट माने दुईटा अच्छी कि चारटा अच्छी छटा अच्छी आठटा अच्छी एमती देखा अच्छी ये तीन टा अच्छी हेब कि हेब ना। सेकेंड 12.1 डेसिमल पर केतरा अच्छी गोटे अच्छी एटा भी हेब ना। डेसिमल पर केतरा अच्छी दुईटा अच्छी एटा चान्स अच्छी पिले डेसिमल पर केतरा अच्छी तीन टा अच्छी एटा हेब ना हैला। तो एलिमिनेट करके आम फास्ट कहीदे 2.56 बोलिकी ओके। जदि एमती सपोज दे था तो आम एनसर ये 2.56 ही हे हैला 2.56 ही हे ठीक अच्छे ओके। 2.56 जदि एक्जेक्टली आम काढ़ तार मीनिंग परफेक्ट स्क्वायर ताहले जिते कढ़ा जाऊँ एटा के 1.6 बाहर हैला के 1.6 केमती काढ़ डेसिमल को टिकट 2.56 कहते कटुच्छे फैक्टराइजेशन हिसाब से जब कर प्रत्येक दुईटू गोटे नहीं जावाक पड़ो है केते हला 2 1 2 28 रे गला 2 2 4 हला 2 32 2 16 2 8 2 4 2 3 हला। तो 256 इक्वल टू केतोटी 2 आसला 1 2 3 4 5 6 7 8 हला 1 2 3 4 5 6 7 8 आठटा 2 आसला प्रत्येक दुईटारू आम गोटे नेमा प्रत्येक दुईटारू गोटे निजी बोले है 256 रूट इक्वल टू एमती आम लिखिपारू 256 रूट इक्वल टू आठटा 2 के मल्टीप्लाई कले होती प्रत्येक दुईटारू गोटे निजा प्रत्येक दुईटारू गोटे ने जो रूटा ये उठिज 1 2 3 4 है यू जो गुणन करु 2 2 4 2 8 2 16 के 16 है। तो रूट 256 इक्वल टू आम पाइछ 16 बट आम क्वेश्चन थी कौन 2.56 रो परफेक्ट स्क्वायर हो कि बोलिकी तो 1.6 दबा डेसिमल पर केतरा डिजिट होला गोटी तो 1.6 रो स्क्वायर काढ़ले के 256 तो लिखा होला
तार डेसिमल परे जेहेतु गोटे अछि डेसिमल परे दुईटा रहइबो हैला एमति कि आमे ए नंबर गुडा सॉल्व करबो अदरवाइज तुमको तुम कहि देली केमति करि परिबो जे जेते बेले परफेक्ट स्क्वायर रो कथा कुहा जाउ अछि परफेक्ट स्क्वायर कथा कुहा जाउ छि डेसिमल परे इवन नंबर अछि कि देखिबो इवन नंबर ऑफ डिजिट एठी तीनटा आसिला हेबो नै एठी गोटे आसिला हेबो नै एथिरे दुईटा आसिला हेबो एथिरे तीनटा आसिला हेबो नै मन रहिला पिले ठीक अछि एबे नेक्स्ट नंबर देखिबा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 12 20 मस्ट बी एडेड सो दैट नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर देखो हाँ पिले एठी यदि तुमर नंबरटा स्लो करा जाउ छी बोलि कि लागु छी ना वीडियोटा स्लो अछि बोलि कि मैथ आमे मैथ करू अछु बुझियाला स्लो हो बट करेक्ट करेक्ट हो स्पीड स्पीड सरी जिवार चक्कर रोहना बिल्कुल हैला एटा जिके नो जे फटाफट मु सार देबी मैथ रे तुमको भलसे बुझे बुझे कि मु दो अछि कुहा गला कोन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर पेशेंस रख पिले ए नंबर गुडा सॉल्व करियार अगरो पेशेंस रख हैला अच्छा केमिति कि सॉल्व करू अछ क्वेश्चन को देखो पॉज कर दियो एटी जेतले सॉल्व कर कि दे दिया होछि ना नंबरटा सॉल्व करिवार पूर्व पूर्व तमे निजे फास्ट पॉज कर दियो क्वेश्चन को भलसे पढ़ निजे सॉल्यूशन काढ़ तापर जाइकी आंसरटा देखो अगेन जदियो तमर आंसरटा ठीक होछि ना प्रोसीजर देखो सार केमिति कि फॉलो माने अटेंड करले तमे केमिति कल जोटा ठीक लागुछि देखो जो प्रोसीजर तुमको सुइटेबल हो से हिसाब रे करो हैला ठीक अछि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 12 20 मस्ट बी एडेड एमती कि को छोटिया नंबरटा अछि जोटा कि 1220 रे एड करिले दैट नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर हैला अगेन परफेक्ट स्क्वायर विषय ही कुहा वाला 1220 रे ए जो चारिटा ऑप्शन दिया वाला को ऑप्शन को एड करिवा जे जहां बाहरिबो ना ए नंबरटा परफेक्ट स्क्वायर हेउथिबो बोली कुहा वाला 1228 हेबो कि 1220 रे 9 जोग कले केते होची 1229 एटा हेबो कि 1220 रे 4 एड कले 1224 हला एटा हेबो कि 1220 रे 5 एड कले 1225 होची एटा हेबो कि बुझि पारछ कोन कहा जाउ छी जे पिली एमिति को छोटिया नंबर एड करा गले को छोटिया नंबर एड करा गले माने 8 एड करिवो 9 एड करिवो 4 एड करिवो ना 5 एड करिवो जे जो नंबरटा बाहरिबो ना सेइटा गोटे परफेक्ट स्क्वायर हेउथिबो बोली कि कहा वाला हैला परफेक्ट स्क्वायर जदि तमे 1 रु 50 जाय मिनिमम रो कथा को अछि 1 रु 50 जाय स्क्वायर जदि मन रखियो छ ताहले ए नंबर देखु देखु 2 सेकंड रे हि जीव अदरवाइज टाइम लागिबो काहे कि एटा मन रखिनो ताहले टाइम लागिबो ओके तो चलो सॉल्व करिवा केमिति कि हेई पारो छि 1228 हैला परफेक्ट स्क्वायर कहिबा को गले मने जदि √4 कहाला 2 into 2 हैला इक्वल टू केते प्रत्येक दुइटा रो आमे गोटी नै थाउ कि एटा को कहा जाउ छि परफेक्ट स्क्वायर भेलि कि प्रत्येक दुइटा रो नै कि से माने को मल्टीप्लाई कला परे जते बाहरिबो सेइटा होची तार परफेक्ट स्क्वायर हैला सपोज 100 रो जदि कहिबो केते होची देखो 250 रे गला 225 रे गला 5 गला तो 2टा आसिला 5 2टा आसिला तो प्रत्येक दुइटा रो गोटी नि आगला अब हल्ला केते सटा 10 तो 100 रो 100 रो रूट इक्वल टू आमे केते कहि थाउ सेम बोलि कि कहि थाउ सेही भलिया क्वेश्चन पछरा गला जे 1220 रे को छोटिया संख्या टा ऐड करले जो संख्या बाहरिबो सेटा गोटे परफेक्ट स्क्वायर होथिबो बोलि कि कहा जाबो छि हैला तो देखो यदि 1220 रे 8 ऐड करू छना तो 1228 हला 212 21 248 एतकी बाहला पिले तापर सॉल्व कर देखो 236 274 हैला एबे 2 रे छिडिबो कि छिडिबनी 3 रे छिडे देखो 7 3 10 हो नाही 4 रे 5 रे हैला आउ छिड़ू छिकरे पिले देख जाउ नाही हैला तो 8 एड करि परिबा नाही तो 1229 रे जते बेले 1220 रे 9 जते बेले एड करु छ 1229 हला एटा को सॉल्व कर देखो केतरे कटि 9 10 11 12 13 14 2 रे कटिबो नाही 3 रे कटिबो नाही 4 रे कटिबो नाही 5 रे कटिबो नाही 6 रे कटिबो नाही 7 रे नाही 8 रे नाही छाडी दियो हैला जदि 4 एड करु छ 1224 होउछि 212 212 2 के 2 दुना हैला
ତାପରେ ଦୁଇ ତିରି ଛଅ ଦୁଇଶହ ବାର, ଦୁଇ ପନ୍ଦରରେ ଗଲା ଦୁଇ ତିରି ହେଲା, ତାପରେ ତିନି ପଞ୍ଚ ତିନି କି ତିନି ସତର ହେଲା, ଏଭଳିଆ ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟିଏ ନେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟା କମନରୁ ଗୋଟିଏ ନେବା ହେଲା, ତିନି ତିନି ଗୋଟିଏ ତିନି ନିଆଗଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ସତର ରହିଗଲା, ତ ଏଇଟା ଛିଣ୍ଡିବ କି? ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଆମର କେଉଁଟା, ଫାଇଭ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଯଦି ଫାଇଭ, ବାରଶହ କୋଡ଼ିଏରେ ଯଦି ଫାଇଭ ଏଡ଼୍ କରୁଛ, ବାରଶହ ପଚିଶ ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଲେ କେତେ ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟିବ, ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଦଶ, ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ, ପାଞ୍ଚ ନଅ ପଇଁଚାଳିଶ ହେଇଗଲା। ତିନି କଟିଥାନ୍ତା ବୋଧେ, ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଦଶ, ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ନଅ ପଇଁଚାଳିଶ, ତାପରେ ପାଞ୍ଚରେ ଯାଉଛି କି ରିପିଲି ନାଇଁ, ତିନିରେ, ତିନି ଅଷ୍ଟା ଚବିଶ, ତିନି ତିନି ନଅ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବାରଶହ କୋଡ଼ିଏରେ ପାଞ୍ଚ ଏଡ଼୍ କରୁଅଛୁ ହେଲା, ବାରଶହଟା ଟିକେ ମିଣ୍ଟେଇ ଦେବା ଦେଖ, ବାରଶହ କୋଡ଼ିଏରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଏଡ଼୍ କଲେ ହେବ କି? ସିମ୍ପଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ତ ଜଣଙ୍କର ଛିଣ୍ଡୁଅଛି ହେଲା, ଯଦି ଏକରୁ ପଚାଶ ମନେ ରଖିଛ ତାହେଲେ ତ ଫଟସେ କହିଦେବ, ବଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେଖୁ। ବାରଶହ ପଚିଶ, ବାରଶହ ପଚିଶକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା, ତ କେତେରେ କଟୁଛି ଦେଖ, ଦୁଇରେ ତ କଟିବ ନାହିଁ, ତିନିରେ କଟିବ କି? ଦୁଇ ଏକ ତିନି, ଦୁଇ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଏଗାର, ତିନିରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ପାଞ୍ଚରେ, ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଦଶ, ଦୁଇ ଦୁଇ, ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ପଚିଶ ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କେତେ, ପାଞ୍ଚରେ ଏଗେନ୍ କଟୁଛି, ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ, ପାଞ୍ଚ ନଅ ପଇଁଚାଳିଶ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ସେଭେନ ଇଣ୍ଟୁ ସେଭେନ, ତ ବାରଶହ ପଚିଶ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ସେଭେନ ଇଣ୍ଟୁ ସେଭେନ, କ'ଣ କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟା କମନରୁ ଗୋଟିଏ ନିଆଯିବ, ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ସେଭେନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ ହେଲା। ଏନ୍ସାର ପାଇଗଲୁ ତାହେଲେ, ଫାଇଭ ଏଡ଼୍ କଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ, ପିଲେ ପେସେନ୍ସ ରଖ, ସବୁ ନମ୍ବର ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ପେନ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ରୁପିସ୍ ହେଲା, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ପେନ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ରୁପିସ୍, ଚାରୋଟି ପେନ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆଗଲା କେତେ, କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଭ ପେନ୍ ହେଉଛି ପଚିଶ ଟଙ୍କା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଗେନ୍ ଅର୍ ଲସ୍? ଫାଇଭ ପେନ୍ର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆଗଲା କେତେ, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ତୁମକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ନମ୍ବର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲା ଏଇଟାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲା, ସମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଚାରିଟା ପେନ୍କୁ ଯଦି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପେନ୍କୁ କେତେରେ କିଣା ହେବ ପିଲି? କୋଡ଼ିଏ ବିଭକ୍ତ ଚାରି କୋଡ଼ିଏ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା, ଚାରିଟା ପେନ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଲା? କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ। ଗୋଟେ ପେନ୍କୁ କେତେରେ କିଣା ହେବ? ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ। ଏଇଟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଡ ଗଲା ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟା ପେନ୍କୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟା ପେନ୍କୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପେନ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବାଏ ଫାଇଭ କଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ। ଏବେ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ନା ଯେ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା, ସେହି ଗୋଟିଏ ପେନ୍ର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା। ତ ଗୋଟିଏ ପେନ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲା, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଉ ଲସ୍ କିଛି କିଛି ହେବ କି? ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଉ ଲସ୍ କିଛି ହେବ? ବିଲକୁଲ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା, ନାଇଦର ଲସ୍ ନର୍ ଗେନ୍, ଏନ୍ସର୍ ହେବ ଏଇଟା ହେଲା। ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ଫାଇଭ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଆର୍ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭେନ୍, ପାଞ୍ଚଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯିଏକି ଚାରି ଆଉ ସାତ ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବେ? ତ ଏଭଳିଆ ନମ୍ବର୍ରେ ଆମେ ଫୋର୍ ଆଉ ସେଭେନ୍ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ନେଇଯାଉ, କେତେ ହେଉଛି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଏଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ କି ଫୋର୍ ବି ଛିଣ୍ଡୁଥିବ, ସେଭେନ୍ ବି ଛିଣ୍ଡୁଥିବ। ତ ଅପ୍ ଟୁ ଫାଇଭ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଯାଏ ନା କେତୋଟି ଏଭଳିଆ ନମ୍ବର୍ ଆସିବ ଯିଏକି ଚାରିରେ ଛିଣ୍ଡୁଥିବ, ସାତରେ ଛିଣ୍ଡୁଥିବ? ତ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଫାଇଭ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଏଲ୍ସିଏମ୍ଟା ବାହାରିଲା ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, ଅଠେଇଶ ଏକ ଅଠେଇଶ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଶୂନ କେତେ ଗଲିବ, ସାତରେ ସାତ ଅଷ୍ଟା ଛପନ, ସାତ ଦୁଇ ଚଉଦ ପାଞ୍ଚ ଉଣେଇଶ, ଦଶରୁ ଛଅ ଗଲେ ଚାରି, ଏଗାର ନଅ ଗଲେ ଦୁଇ ହେଲା। ଯଦି ଅଠର ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତ ଆଗକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା, ତ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ା ହେଲା, ସତରଟି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ସତର ଏନ୍ସର୍ ଅଛି ନା। ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର୍ସ, ସତରଟି ନମ୍ବର ଏଭଳିଆ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ କି ଚାରି ଆଉ ସାତ ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବେ, ବିଲୋ ଫାଇଭ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ,
ए इज टू बी फोर इज टू फाइव दिगला बी इज टू सी थ्री इज टू टू दिगला ए इज टू सी इज टू बी पचरागला ध्यान रखिकी है क्वेश्चन ए इज टू सी इज टू बी पचरा जा तो से जहा हो आमे फास्ट देखिदेव ए बी दिगला बी सी दिगला कमन कौटा रहा पे बी कमन रहा तो बी को फास्ट मझे रखा ए बी सी एटा रेसीो काढ़ुअु तो जहाँ जमी कर जाणीअु ए इज टू बी मैंने फोर इज टू फाइव एभिया लिखा जा बी इज टू सी मैंने थ्री इज टू टू एमती लिखा जाए यह प्रोसीजर है ए रैल्यू के पाइब ए रैल्यू आस फोर इंटु थ्री कहले के आसीगला ट्वेल्व बी रैल्यू के फाइव इंटु थ्री आसीगले के फिफ्टीन है सी रैल्यू पाँच जुड़े दस तीन जन भर किसी कमन कटुच्छे कि बिलकुल कटुना है ए इज टू बी इज टू सी रे एनसरटा पाइलु कौर पाइल ए इज टू बी इज टू सी बट आमको पचराला ए इज टू सी इज टू बी ए होगा ट्वेल्व सी होगा टेन आगला फिफ्टीन तो ट्वेल्व टेन फिफ्टीन ट्वेल्व टेन फिफ्टीन हूँ एनसर ओके पिले देखा इफ द डिफरेन्स बिटवीन 30% एंड 40% अफ ए नंबर हूँ फिफ्टीन है से नंबरटा सपोज एक्स ही था कि जहाँ भी था 30% आउ 40% डिफरेन्स डिफरेन्स के 15 डिफरेन्स काढ़ के 10% अफ ए नंबर इक्वल टू फिफ्टीन तेल से नंबरटा के एक्स इक्वल टू फिफ्टीन इंटु टेन इक्वल टू वन फाइव जीरो एवं कहला फाइंड आउट 40% अफ दैट नंबर 40% अफ दैट नंबर मैंने जो नंबरटा पाइल है 40% इंटु 150 जब काटा के 60 है 60 है एनसरटा रेसीो अफ द टू नंबर हूँ 5:6 एच सी एफ जदि 4 एलसीएम के दुईटा नंबर अच्छी और रेसीो 5:6 कहला है एच सी एफ 4 मान ये रहा तो 4×5=20 424 होगा आउ जदि आपको चाहिए करपर ना तो एलसीएम आम के पाइपर 4×5:6 4×5=20 एलसीएम होगा के 120 है नेक्स्ट नंबर ए कैन फिनिश ए वर्क इन 12 डेज बी कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर है ए गोटे काम को 12 दिन बी गोटे काम को 15 डेज जदि से मिसिकी कामटा करले केते दिन रे कामटा सारी परबे शॉर्टकट हिसाब से देखिया को गले 12×15/12+15 एटा फार्मूला हिसाब से आसी जीव पिले 12×15/27 है 3×9=27 3×4=12 इतक 15×60 अच्छा 3×3 रे कटला 3×5 कटला तो केते होला 4×5=20 विभक्त कर 3 है 318 2/3 दिन कामटा कम्प्लीट हे है ठीक अच्छे तो दुईटा को गुणन करके दुईटार एडिशन कर दिगला या को जदि लिटरली आम नॉर्मल प्रोसीजर करवा ए रन डे वर्क गला 1/12 बी रन डे वर्क 1/15 ए प्लस बी रन डेज वर्क 1/12+1/15 इक्वल टू 60 दुई जन 12 और 15 के 16 12×5=60 15×64 के 9/60 3×3=20 तो ए आउ बी रन डे वर्क के 3/20 वन डे वर्क टोटाल के टाइम लगे टोटाल टाइम के उल्टी जीव सिंपल 20/3 318 डेज लगे बुझा पड़ेगा पिले नेक्स्ट नंबर एसआई ऑफ ए सम ऑफ 22,000 रुपीज फॉर 2 ईयर एट ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 120 रुपीज मैंने सिंपल इंटरेस्ट के 120 टाँह सिंपल इंटरेस्ट के 120 रुपीज अफ ए सम प्रिंसिपल के 2000 टाँह टाइम के 2 ईयर लगे फाइंड द रेट परसेंट पर एनम रेट परसेंट पर एनम के तो फर्मूला जना अच्छे पिले एस आई इक्वल टू PTR/100 जितने एस आई काढ़ा थी कि एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू रेट परसेंट काढ़ टाइम जगह रेट परसेंट एस आई के 120 इंटू 100 प्रिंसिपाल के 2000 इंटू टाइम के 2 ईयर यू सल्व कले के बाहर देख 2×2=4
3% है एनसर हम ओके बिले आउ गोटे नंबर रहा देख मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1200 टाँचा दे आर डिस्काउंट हूँ 10% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मैंने लिस्टेड प्राइस और जो दुकान को जो जाओ जो थे बुक रे लिखा ही थे टाँचा बोल कि ड्रेस रे जो लिखा ही थे मार्क प्राइस ये के दिगला 1200 टाँचा डिस्काउंट दिया हूँ के 10% ऑन मार्क प्राइस तो 10% डिस्काउंट है मैंने सेलिंग प्राइस 90% ऑफ मार्क प्राइस ठीक अच्छे तो 90% ऑफ मार्क प्राइस के 1200 सॉल्व करले के 1080 हला 1080 टंका एटा कोन होला पिले सेलिंग प्राइस ठीक अच्छे सेलिंग प्राइस के 1080 पर फाइंड प्रॉफिट परसेंट द कॉस्ट प्राइस होचे 800 रुपीस कॉस्ट प्राइस केते होचे 800 तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू केते बाहर ठीक अच्छे प्रॉफिट विभक्त कॉस्ट प्राइस इनटू 100 है प्रॉफिट परसेंटेज रूल तो प्रॉफिट केते अच्छे 1080 माइनस कर 280 बाहर 280 बाय कॉस्ट प्राइस केते पिले 1200 इनटू 100 सुन 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 कटिगला 4 3 4 7 28 शून के शून होगा तो कते बाहला देख कते हो देख ये जगह कौन गोटे भूल होगा हाँ 280 बाय 1200 इंटू 100 ठीक अच्छे 280 बाय 1200 गुण 100 शून को शून कटिगला कि गोटे मिनट देख कि असुविधा हे ना टे टे है देख प्रॉफिट के प्रॉफिट हो गला केते बुझा पड़ला ना कौन है जे 1080 कौन है सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस थी 1200 1080 है सेलिंग प्राइस आउ प्रॉफिट परसेंटेज काढ़ जदि कॉस्ट प्राइस टा 800 ठीक अच्छे तो 1080 रु जिते बड़े आम 800 माइनस करूँ एटा हूँ प्रॉफिट बाहर प्रॉफिट हूँ 280 विभक्त कॉस्ट प्राइस के देख कॉस्ट प्राइस दिया ही चाहिए थी 800 इनटू 100 है ना इन तीन तीन कटी गया ला 4 2 8 कर ला 4 7 8 में कर ला 2.3 में कर गया ला ये कितने 35% ठीक है ये डा हो चाहिए प्रॉफिट 35% ना प्रॉफिट परसेंटेज ठीक है जो पीले ओके तो इतनी आज ही हमारा इतनी थी ला आज का तो नेक्स्ट क्लास रे पुणी नुआ देखा है बा है ना नुआ क्वेश्चन सह देख बिल्कुल मिस करो ना मुझे डेली क्वेश्चन नहीं कि आसवि तुमर है फायरमैन स्पेशल फायरमैन जदि अलग एग्जाम भी दौछ ताद बेनिफिट यहाँ यहाँ सब लेवल ओडिशा गवर्नमेंट माने ये क्वेश्चन आसव देख मन रखित ठीक अच्छे तो सब्सक्राइब करके रखित पिले है वीडियो को सब्सक्राइब करके रखित भल लगी कमेंट सेक्शन रे कमेंट भल लगला बोल कि ठीक अच्छे आउ लाइक कर फ्रेंड मानक निश्चय शेयर करो। थैंक्स फॉर वाचिंग हैव ए गुड डे।